performance issues, and the businesses are able to perform all the compliance issues without any problems. It may surprise us that government and public sector employ 7%, private sector, SHG and cooperatives offer jobs to another 15%, remaining 78% are employed by SMEs. No wonder Indian GST challenge will translate into Indian SME GST challenge. We can see a GST divide, GST in India and GST in Bharat. This divide is evident from the fact that close to 35% of the SMEs are located in rural areas. GST challenge in Bharat is as follows. 1 or 2 persons units operating from home, employing not more than 4 to 5 persons with exclusive dependence on outside help for, among other things, tax compliance. It is not difficult to see that quality help for the new GST laws will not be immediately available in the rural areas. Yet, GST compliance will have to start. GST के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, GST कोई taxation system नहीं है. GST ये तय करेगा कि भविष्य में हम व्यापार कैसे करेंगे. इसके अलावा GST में हर व्यापारी की रेटिंग होगी. अगर आपकी रेटिंग खराब है तो आपका कोई सगा मिलने वाला भी आपसे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग खराब है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो ऑब्लिगेशंस है, या तो आप रिटर्न समय पर नहीं फाइल करते या आप टैक्स समय पर नहीं जमा करा. एक बड़ी चुनौती है कि क्योंकि जीएसटी सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये भी एक सच्चाई है कि देश में 70% व्यापारियों के पास अभी कंप्यूटर नहीं है. तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करें, किस तरीके से हम 70% जो व्यापारी हैं उनको कंप्यूटर हासिल कराएं, उनको डिजिटल लैंडस्केप पर लेकर के आए, ये जीएसटी की एक बहुत बड़ी चुनौती है. तो हम खास मेहमानों से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, जिन्होंने कहा है सभी पहलू जो जीएसटी के बताए गए हैं उसकी हम थोड़ी गहराई में जाएंगे और देखेंगे हम कितने तैयार हैं, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं. पर उससे पहले हम अब दिल्ली का रुख करते हैं. हमारे साथ इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस संतोष गंगवार साहब मौजूद हैं. सर नमस्कार और आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. हम मुंबई में हैं आज जीएसटी पर स्पेशल कार्यक्रम को लेकर, और हमारे साथ बड़ी संख्या में यहां के एसएमईज भी मौजूद हैं. 1 जुलाई अब ज्यादा दूर नहीं है, जीएसटी के रोल आउट को लेकर उस पर बातचीत हो रही है. किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आगे का रोडमैप कैसे है, 1 जुलाई तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, वास्तव में हम लोगों ने इस संदर्भ में जो अपना प्लान और योजना बनाई थी, हम उसके तहत काम कर रहे हैं. और पिछले 6 महीने में अब तक इसकी 12 बैठकें हो गई, और हमें इस बात को बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमने जितने भी फैसले लिए हैं अब तक सर्वसम्मत फैसले लिए हैं. सर अभी स्मॉल बिजनेस के कई सारे प्रश्न हैं, उनके जहन में कुछ कंसर्न्स हैं, आप ये बता सके उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके जो ऑफिसर्स हैं आपका स्टाफ फुली ट्रेंड है, मतलब तैयार है इस बड़े बदलाव के लिए? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है. अभी तो हमने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को इस बात के लिए सभी को ट्रेनिंग देने का काम किया है कि इसकी समझ ले. मैं यहां बताना चाहूंगा कि अब व्यापारियों को असुविधा कम होगी, और केंद्र और राज्य के स्थान पर केवल एक कर ही उनको देना पड़ेगा, अनावश्यक उनको समस्या में आना नहीं पड़ेगा. यहां पर यह बताना उचित है कि अब जिस प्रकार से ये लागू करेंगे, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका भार व्यापारियों पर भी कम पड़ेगा और उपभोक्ताओं को भी लगेगा कि कर में कमी आ रही है और कम कर देना पड़ रहा है. गंगवार साहब, पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसने कारोबार को जो डे टू डे ऑपरेशन है उस पर कुछ असर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ मेजरली कैश ड्रिवन इकोनॉमी रही है. अभी जीएसटी आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है. स्मॉल बिजनेस अकेले ही काफी कुछ मैनेज करता है, उन तक पहुंचने के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए किस तरह की मतलब तैयारी है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं?
ना स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए हमने जो सीमा तय कर रखी है, मुझे लगता है कि जो छोटा व्यापार करते हैं उनको असुविधा बिल्कुल नहीं होगी। और एक बात और साफ है, अब तक जो लोग काले धन की बात करते थे, काले व्यापार के अंदर काले धन की बात करते थे, इतना मैं कह सकता हूं कि अब जीएसटी लागू होने के बाद ये सारा स्वरूप समाप्त हो जाएगा। केवल एक कर की बात होगी और ग्रामीण से लेकर कस्बों से लेकर और शहर और बड़े शहरों तक एक ही करके ढांचे के साथ सब कुछ चलने की दिशा में काम होगा। आखिरी दो प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बता सकें, ये माना जा रहा है कि उसके लिए बड़ा कदम है, किस तरह से आप ये देखते हैं जो कारोबार करने को आसान करेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी चिंताएं हैं कि ये कहीं पेचीदगियां बढ़ा ना दे। वास्तव में ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अच्छा स्वरूप सामने आएगा, लोगों को लगेगा एक सही दिशा में सही स्वरूप से काम हो रहा है और असुविधा न्यूनतम होगी, ऐसा हमारा विश्वास है और जैसा अब तक जितना भी हमारे समझ में आया है उससे हम महसूस कर सकते हैं। सर आखिरी में बता सके, स्टेट गवर्नमेंट्स भी तैयार नजर आ रही हैं आपको? नहीं, जीएसटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंगें हुई हैं सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा है और सर्वसम्मति के साथ हम लोगों ने सारे फैसले लिए हैं, किसी पर भी फैसले में वोट की जरूरत नहीं आई है और मैं इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि राज्यों को विश्वास में लेकर ये फैसला हो रहा है। मेरा मानना यह है कि राज्य पूरी सक्रियता के साथ इस काम में जुटेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से, थैंक यू। क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं, ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीदा हूं, इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। पवित्र गोमूत्र एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गो माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। हनी आई श्रंक द मार्केट, स्टॉक कमोडिटी का म्यूचुअल फंड सब मिलेंगे सभी यहाँ, एक एप्पल ट्रैकिंग हो या ट्रेडिंग हो या बस एक ट्रिक पर बेचो खरीदो या ट्रेड करो फैस्टर रिजल्ट एप्पल, चाहे देखना हो प्राइस और व्यूज साथ में मिलेगी लाइव न्यूज, नहीं चाहिए टीवी ना पेपर ना पीसी रिव्यूज। हनी कैन यू श्रिंक मी टू? डाउनलोड आई एप्पल मार्केट ऐप नाउ। Think wellness, think आरोग्यम, powered by ThyroCare। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं, ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीदा हूं, इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने, तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है तो आपको पता होगा कि एक ही होटल रूम के अलग अलग वेबसाइट पे कितने डिफरेंट प्राइसेस हैं। वेल ट्रिवागो डज द वर्क फॉर यू एंड इंस्टेंटली कंपेयर्स मोर देन 600,000 होटल्स फॉर मोर देन 200 डिफरेंट वेबसाइट्स। तो अपना समय और पैसा दोनों बचाएं और ट्रिवागो पे मन चाहा होटल किफायती दाम में पाएं। रिमेम्बर ट्रिवागो दिखाएगा आपको अलग अलग प्राइसेस फॉर द एग्जैक्ट सेम रूम। होटल ट्रिवागो। बच्चों की अच्छी हाइट, अच्छी आईसाइट,
तेज दिमाग, मजबूत शरीर और पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए पतंजलि ने तैयार किया है हर्बल पावर वीटा। 100 क्विंटल फैब्रिक में यू खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियाँ यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। आइए अब हम अपने जो खास मेहमान हैं इनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे और फिर हम आपका रुख करेंगे। कन्हैयालाल साहब, बता सके हम 1 जुलाई तो ज्यादा दूर नहीं है, जैसे मंत्री जी बता रहे हैं तैयारियां हो रही हैं। आप जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जो फीडबैक मिलता है, कितनी तैयारी लग रही है आपको, मूड किस तरह से नजर आ रहा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी एक सच्चाई है और 1 जुलाई से देश में लगेगा। लेकिन एक जो कमी मुझे नजर आ रही है कि सरकार द्वारा अभी तक जो नॉन कॉरपोरेट सेक्टर है ठीक, उसके साथ संवाद ऑफिशियल तरीके से हुआ नहीं है। आज भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको जीएसटी के विषय में जानकारी नहीं है, जीएसटी के अंदर उन्हें क्या करना होगा। अब एक सवाल है कि अगर 1 जुलाई को जीएसटी लगेगा तो 30 जून को जो मेरे पास स्टॉक है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इतना बड़ा चेंज होने जा रहा है, आपको किस तरह से अंडरटोन कैसी दिख रही है? मतलब ये जो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर कई बार इतने एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो कैसे इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा? देखिए, इस बार जो जीएसटी लागू करने का सिस्टम बन रहा है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कर्नल साहब ने बताया जी कि इसमें कोई एक ऐसी रिजिडिटी नहीं होगी। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जितने भी लोग, जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से जीएसटी के साथ जोड़ पाएंगे। पहली चीज तो ये, हम बात करते हैं उनकी जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, जो जैसे बोला 70% लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे में एक प्रोविजन भी है कि एक सर्टेन लिमिट तक 20 लाख रुपए के टर्नओवर तक के लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। अगर हम देखें, आप एक ऑफलाइन एप्लीकेशन पे भी कर्नल साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता पाएंगे? मैं ये बताना चाहूंगा, जो छोटे और मध्यम उद्यम है उनके लिए पहली बात तो टेक्नोलॉजी इतना जो सोचा जा रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा पोर्टल है, सपोज आप छोटे विक्रेता हैं और आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, आप पोर्टल पे आके अपने इनवॉइसेस बहुत ही सरल तरीके से अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे अपने इनवॉइस अपलोड करेंगे या इनवॉइस पे डेटा डालेंगे कि मैंने ये इतने इनवॉइस का इस महीने में काम किया है, आपका लेजर बखूबी आपको साथ ही साथ दिखता जाएगा और आपको टैक्स लेजर, आपका ITC लेजर, आपका कैश लेजर साथ ही आपको नजर आ जाएगा। इसके लिए अगर आप सोचें कि क्या तकनीक आपको चाहिए, उस आपको बस पोर्टल पे आना है, तो पोर्टल पे आने का माध्यम आपके पास होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हाई एंड की मशीन हो या बहुत हाई एंड का आपके पास हार्डवेयर आपको खरीदना पड़े या इन्वेस्ट करना पड़े। आलोक साहब, ये थोड़ा बताइए, ये जो जीएसटी 1 जुलाई का है, ये क्या परफेक्ट जीएसटी होगा, या मतलब इसके अंदर इतने सारे अभी बदलाव हो रहे हैं और ये क्या आगे भी होते रहेंगे? जीएसटी में बहुत सिंप्लीफिकेशन की तरह से काम हुआ है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं है जो लोगों ने इसको एक तरह का ह्यूमन क्राइम मचाया हुआ कि सब जीएसटी बहुत बड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप इसे ढंग से देखें तो कुछ भी नहीं है, हम लोग इसे वर्किंग कर रहे हैं, वी आर कमिंग आउट विद ए पास डिवाइस, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स या वो लोग हैं वो अपने यहां से उसको डायरेक्ट बिल काट सकते हैं। आपने जो ऑफलाइन की बात करी थी, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देंगे हम, इसके अंदर वहां से बिल काट दिया, जैसे ही उन्हें कनेक्शन मिलेगा इंटरनेट का, इमीडिएटली उनका इस इनवाइस सिस्टम पे हिट करेगा और आगे चला जाएगा। ये जैसे ऑफलाइन कह रहे हैं उससे ये ऑफलाइन से रिलेटेड है जी। अगर ऑफलाइन मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मैंने बिल काटा, उस समय इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो नहीं अपलोड हुआ, कोई भी सिस्टम में तो है मेरे, जैसे ही मुझे इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा इमीडिएटली पुश हो जाएगा वो सिस्टम। राउंड अबाउट रजिस्टर्ड वैट के अगर हम देखें, राउंड अबाउट डीलर्स 80 लाख के आसपास, 80 लाख जो सिस्टम में है वो 80 लाख है जी।
बट हमें लगता है ये बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें एक और पहलू बताइए खलीरवाल साहब, ये जो बताया जा रहा है 36 रिटर्न्स, ये अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही थी, तो ये 36 रिटर्न्स मतलब ये कई बार स्मॉल बिजनेस कह रहे हैं कि हमें इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, जैसा मैंने आपसे कहा जीएसटी सारा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब जीएसटी ये कहता है कि महीना खत्म होने के 10 तारीख तक, अगले में 10 तारीख तक जी, जितने भी लोग जीएसटी पर रजिस्टर्ड है वो सारे अपनी सेल्स की रिटर्न अपलोड कर दें। एक बार आपको अपलोड करना पड़ेगा। अभी जैसा कर्नल साहब बता रहे थे, आलोक जी ने बताया कि अगर हम डेली ट्रांजैक्शन करेंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं जिन पर आप ट्रांजैक्शन करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो स्टोर कर जाएगा या ऑटोमेटिकली वो जीएसटी के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर चला जाएगा। एक बार आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो आपका परचेज लेजर जीएसटी नेटवर्क आपको बना करके देगा, आपका वेरिफिकेशन नेटवर्क आपको करके देगा, आपको उसके बाद में टैक्स कितना भरना है ये नेटवर्क आपको बताएगा, और टैक्स जमा आपने कराना है और उसके बाद में करना। तो ये ठीक है कि साल भर की 35-36 रिटर्न भरनी पड़ेगी जी, बट वो टेक्नोलॉजी भरेगी, और अगर टेक्नोलॉजी में हम आ गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ आएगी, कोई दिक्कत आएगी। मतलब साहब ये थोड़ा बताइए, इंटरनेशनली भी कई कंट्रीज में जिस तरह से जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है, वहां से क्या आपने देखा है वहां के मॉडल में, और यहां पर आप किस तरह से उसको देखते हैं? यहां इनिशियल अब कैसे रहेगा 1 जुलाई के बाद का सिनेरियो, ये आपको कैसे दिख रहा है आगे पैन आउट होता हुआ? देखिए जिस भी बाहर कई देशों में जीएसटी जैसी लॉ इम्प्लीमेंटेड है, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं वैट बोलते हैं, कहीं जीएसटी बोलते हैं, और जिस भी देश ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया वहां पे आगे ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो जीडीपी की ग्रोथ है वो आगे बढ़ी और बहुत सारे बिजनेसेस को आराम मिला काम करने के लिए, उपभोक्ताओं को भी आराम मिला, कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज कम हुई। तो बट इट इज अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं होगा कि 1 जुलाई को इंडिया में कुछ चमत्कार सा हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा। ओके आलोक साहब, ये बताइए आपका जिस तरह से पैन इंडिया नेटवर्क है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है और गवर्नमेंट को आप क्या इस समय सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम ऐसे ही हमने अभी 50-60 सिटीज प्लान करी है जहां पर हम जाकर ये सेमिनार और करेंगे जिससे लोगों को बताएंगे ये कैसे काम करेगा जी। और तैयारी की बात है, लोगों का फीडबैक खराब नहीं है, लोग वह ये सोच रहे हैं कि अभी मेरा भी ऐसा विश्वास है कि इसके आने से टैक्स की चोरी कम होगी और टैक्स रेट भी कम होगा। राइट, अच्छा खंडेलवाल साहब ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स एकदम फ्रीली मूव करेंगे, पूरा कंट्री एक मार्केट है, ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी आपको मतलब आगे चलते हुए लगता है थोड़ी कमी होगी? लॉजिस्टिक्स क्योंकि नर्व है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसका एक अपना एक अलग महत्व है। जब हम पूरे देश को एक जीएसटी नेटवर्क से जोड़ेंगे, आज प्रॉब्लम क्या है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, जो लोग बॉम्बे में काम करते हैं वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो आज सीमलेस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब हम सारे के सारे 80 लाख या 92 लाख लोग नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तो एक एक ट्रांजेक्शन वो मॉनिटरिंग सिस्टम में आएगी, और जब ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में आएगी तो जो लॉजिस्टिक्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। इससे पहले हम फ्लोर ओपन करेंगे, हम चाहेंगे आप सभी मधुब जी आपसे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि मेरा तो एक सिंपल छोटा सा सजेशन है कि आप, ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, कंप्लायंस बढ़ाना पड़ेगा ठीक है, और ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा। और जितने भी एसएमई सेक्टर हैं वो अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो लोग अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, कोई मैनुअल करता है, कोई अकाउंटेंट को बुला के करता है, तो मेरी सबको एक ही एडवाइस है कि आप इसको कंप्यूटराइज तरीके से मेंटेन करें। मेरा कहना है कि नॉन कंप्लायंट के लिए मेरा व्यापारी दोषी नहीं है। 70 साल के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम की जो जटिलताएं थी उसके कारण से व्यापारी हमारा नॉन कंप्लायंट है, नहीं तो टैक्स कंप्लायंट में हमसे ज्यादा कंप्लायंस करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, पहली बात तो मैं इसको करेक्ट कर दूं। दूसरा मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि अब आई है तो व्यापारी तो खुद आगे बढ़ करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन और जो कंपनियों की आपने बात कही, मैं हर कंपनी से यह कहूंगा कि आप सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं जिसके अंदर अगर मेरा कोई व्यापारी गलती से कोई गलती कर रहा है भरने में तो पॉपअप आ जाए, वो उसको कर ही ना पाए, क्योंकि हम सबको मिलकर के
ये टेक्नोलॉजी वाले मामले को लेकर के हमें पूरे सोसाइटी को टैक्स कंप्लायंट बनाना है। देखिए, स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम बिजनेसेस को कोई भी डर या शंका की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी जो है उन्हीं का साथ देगी और इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे कि आपको बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कंप्लायंस के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो हिदायत हम देना चाहेंगे कि डिसिप्लिन एक बन जाए कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप रेगुलरली अपडेट करिए, अपलोड करिए अपने जीएसटी के पोर्टल में। उससे क्या है, जो हमने बात करी थी रेटिंग्स की, आपका रेटिंग्स अच्छा होगा, जो बायर सेलर की रिलेशनशिप है वो भी और उम्दा होगी और आपका कंप्लायंस रेटिंग अच्छा होकर आपका आगे का बढ़ोतरी होगी। तो अब हम चाहेंगे, आपने जो सुना है, आप प्लीज अपने जो व्यूज हैं आप शेयर करें और खास मेहमान हैं उनसे आप सीधे प्रश्न पूछें। माय क्वेश्चन टू द फोरम इज, सपोज आई एम इन द 18% जीएसटी स्लैब एंड इफ आई बाय अ लग्जरी आइटम फॉर माय ऑफिस और फॉर माय पर्सनल यूज, विल आई बी गेट व्हिच इज एट 28%, विल आई गेट अ सेट ऑफ ऑफ द सेम? देखिए, जो भी आप टैक्स देकर के आएंगे, अब इसमें होगा आपने इनवॉइस कैसी बनवाई है। अगर आपके उस इनवॉइस पर आपकी फर्म का नाम लिखा है और आपका जो नंबर लिखा है और वो इनवॉइस सही है, अब अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और दिल्ली में जाकर के आप अगर करेंगे तो उसका तो सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि हमारे को इनवॉइस कैसी मिले। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हूँ, मेरा सर्विस सेक्टर है इंटीरियर डिजाइनिंग का। जब हमारी एक साइट शुरू होती है तो उस वक्त बहुत सारे मतलब कि उसमें टाइमली नहीं होता है कि वो 3 मंथ में कंप्लीट होगी कि 2 मंथ में, इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करते हैं मटेरियल के। तो जब मटेरियल प्लेस होता है तो हम लोग वंस ट्वाइस थ्राइस टाइम भी करते हैं, तो मुझे हर बार जब मैं मटेरियल प्लेस कर रही हूँ ऑर्डर तो हर बार मुझे उनका इनवॉइस लेना है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो लंबा चल रहा है और आप इस बार इस महीने इनवॉइस आप जनरेट नहीं कर पाई और जो आपने परचेजेस करी है वो आपके आपके उसमें क्रेडिट हो जाएंगी, अगले महीने आपने जब आप इन्वॉइस जनरेट करेंगी तो जो क्रेडिट वहां जमा है आपके लेजर में उसका आपको पूरा सेट ऑफ मिलेगा। तो ये था ईबीएफ का मुंबई राउंड। आज हमने बातचीत की है जीएसटी पर। 1 जुलाई ज्यादा दूर नहीं है तो तैयारियां जोरों पर हैं और उसी का हम जायजा ले रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड बाय। क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं, ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीदा हूं, इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। ये है सौंदर्य और ये इनकी बहन ऐश्वर्या, दोनों गजब की खूबसूरत। सौंदर्य है परंपराओं का पालन करने वाली, वहीं ऐश्वर्या है बिंदास, वनवी टाइप गर्ल। समय के साथ साथ सौंदर्य का चमकने लगा चेहरा और ऐश्वर्या के चेहरे पर आया डलनेस का पहरा। तारीफें सौंदर्य की बढ़ी, इधर ऐश्वर्या का मेकअप बढ़ा। अब बिंदास गर्ल हो चुकी थी परेशान, क्योंकि वो करती थी सिर्फ केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्ण कांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स। पतंजलि सौंदर्य को अपनाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। Oh no. What happened? This vacation is costing us $1 million in lost opportunities. Look. Come on, Dad. Tap in your IFL trading password. Done. How? IFL's mobile trading app. Trade online, offline, anytime, anywhere. Mahindra ne di 20 rupaye guarantee. Zyada mileage nahi to truck wapas. Aur 4 crore kilometer ke baad एक भी ट्रक वापस नहीं आया, एक भी। और यह आपके बिजनेस को ले जाएगा सबसे आगे। महिंद्रा ब्लेजो, फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा, गारंटी के साथ।
to adventure. Fruits are real fruit juice, real fizz. Chalo America, be a part of the first ever Mega Trade Expo. Glorious India, USA, the land of opportunities, invites you. Visit www.gloriousindiaexpo.com and book your stall now. हर घर में अब एक नया अभियान, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। अतः है पतंजलि ने तैयार किए हैं मैदा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित डाइजेस्टिव बिस्किट, दूध बिस्किट, मैरी बिस्किट, नटखट बिस्किट, नमकीन बिस्किट, नारियल बिस्किट और बटर कुकीज व अन्य बिस्किट। हेलो सुरेंद्रपा जी, और अमेरिका बिजनेस की हाल चाल है? वो अमेरिका तो सब बढ़िया ही बढ़िया, तू भी आ जा। किथे पाजी, मेरा तो वीजा फिर तो रिजेक्ट हो गया है। वो तो होना ही जी, मैं तो क्या जी वेरी आई बी फाइव लाला। वेरी आई बी फाइव? वेरिया दा ईबी फाइव डी एस एल गुप्ता प्रोजेक्ट है, अमेरिकन गवर्नमेंट दा USCIS अप्रूव डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ग्रीन कार्ड मिल सदा फटाफट। ठीक है भाजी, चंगा फिर। ईबी फाइव द फास्टेस्ट वे टू US ग्रीन कार्ड, कॉल नाउ। वेरिया ईबी फाइव। चल भाई गंजीते, चलिए अमेरिका। 100 क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूँ, ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसी खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। आम आदमी करेगा सिर्फ 2500 रुपए में सफर, उड़ान स्कीम के तहत 47 एयरपोर्ट के लिए 5 ऑपरेटर्स का हुआ चुनाव, क्षेत्रीय शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ने का मेगा प्लान। मर्जर से पहले वोडाफोन आइडिया को वापस करना होगा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम, सरकार ने नियमों में ढील देने से किया इनकार, एक सर्कल में 50% से ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं रख सकते। बाइक के BS3 मॉडल्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, हीरो मोटोकॉर्प होंडा मोटरसाइकिल दे रहे हैं 24,000 तक डिस्काउंट, 1 अप्रैल से बंद होनी है BS3 गाड़ियों की बिक्री। उदार शराब के बीच एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपरी स्तरों पर बंद, बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर पर, सेंसेक्स 116 निफ्टी 30 अंक चढ़कर बंद, रियल्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल 2017, राज्यसभा के 5 संशोधनों को भी मान्य से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मामले संविधान पीठ को भेजा, 11 मई से 4 दिन तक लगातार होगी सुनवाई, छुट्टियों के दौरान भी होती रही गिरह। इस साल झुलसाएगी गर्मी, महाराष्ट्र में गर्मी से 5 लोगों की मौत, दिल्ली में आज की सुबह ने तोड़ा रिकॉर्ड, मौसम विभाग का अनुमान अगले 3 दिन पड़ेगी भयंकर गर्मी। अवैध घुसड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में यूपी में जारी है मीट कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, आज शाम 6 बजे लखनऊ में सीएम से मिलेगा कारोबारियों का डेलीगेशन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कालेधन को सफेद करने के गंभीर आरोप, हवाला कारोबारियों के जरिए 16,39,00,000 रुपए किए गए सफेद। इकतीस मार्च के पहले करें अपना फेसबुक अपडेट, 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देंगे फेसबुक के कई फीचर, विंडोज फोन पर फेसबुक नहीं करेगा काम। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। नमस्कार, आप देखते हैं जी
डी बिजनेस और आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। 1 अप्रैल से DSP गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद कंपनीज ने बाइक्स और स्कूटर पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। हीरो मोटो और होंडा अपने DS3 मॉडल बाइक्स पर 12,500 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। दरअसल DS3 पर बैन से 8 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है, जिनमें से 6,71,000 टू व्हीलर्स हैं। ऐसे में डीलर्स भारी डिस्काउंट के जरिए 1 अप्रैल से पहले ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहते हैं, यानी कल तक ही डीलर्स के पास DS3 गाड़ियों को बेचने का मौका है। हीरो अपने स्कूटर पर 12,500 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जबकि प्रीमियम बाइक्स पर 7,500 और बाकी की जो बाइक्स हैं उस पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी तरह होंडा अपने DS3 स्कूटर और बाइक्स पर 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है।